है ये तमसील थिएटर में पहुंची है। कहकशां के रंग जो हैं वो 400 बिखर चुके हैं। परफॉर्मिंग आर्ट का खूबसूरत मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज ने, बहुत मशहूर और मरूफ हैं और सैकड़ों की तादाद में दुनिया में जानी जाती हैं, इनके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हैं। फिया खान साहिबा आर्टिस्ट हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, पहले तो आपका थैंक यू कि आप लोग आए अपना कीमती टाइम निकाल के, और थैंक यू सो मच। जी आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात जो हैं वो हमें दिए। अच्छा, कैसा लगता है परफॉर्म करते हुए? सबसे पहले ये बताइएगा कि यानी कि लोगों को एंटरटेन करती हैं आप माशाल्लाह अपने आर्ट के ज़रिए, तो आपको कैसा लगता है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर लेती हैं लोगों तक, वो महसूस होते हैं? एक्चुअली मतलब मुझे हो गए हैं 4 ईयर, तो पहले पहले तो नहीं पता था इतना काम का, लेकिन अब समझ आना शुरू हो गई है और फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है और बन गई है अच्छी खासी। और जब परफॉर्म करती हूँ तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और उसके अलावा अपने काम के साथ हमेशा सिंसियर होके चलती हूँ, एक्ट हो, परफॉर्मेंस हो या कुछ भी, सिंसियरिटी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने वो खोल दिए हैं थिएटर्स वगैरह, कैसा एकदम गवर्नमेंट की तरफ से आया, आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ ओपन हो गया है, क्योंकि हालात इतने डाउन हो गए थे, तो ये बड़ा अच्छा है। हर कोई अपना रोज़गार कमा रहा है और हमें भी अपना अच्छा मिल रहा है, तो ये हुकूमत के लिए उनका थैंक्स बोलना चाहूँगी, और SOPs पे भी सारा अमल हो रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि न्यू टैलेंट जो आना चाहता है डांसिंग की फील्ड में, आर्टिस्ट की फील्ड में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने एंड से, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और भरपूर मेहनत करें, और तभी आप इस फील्ड में बल्कि किसी भी काम में अपना मुकाम बना पाएंगे, बस मेहनत। जी बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, मकाम इश्क में बल्कि दया इश्क में अपना नाम पैदा करें, और आखिर में एक नारा लगाते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया मैडम आपने। देखें कितने ज़बरदस्त लोग हैं, और हमेशा जो है मेहनत का और स्ट्रगलिंग का जो है वो प्रचार किया है और पैगाम दिया। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरजमीन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।